इस वक्त हम मोती नगर की उसी जगह पर मौजूद है जहां पर कावड़ियों ने हंगामा किया था। दरअसल ये 302 पिलर नंबर, यहां पर ये पूरा वाकया हुआ था जिसमें कावड़ियों ने गाड़ी तोड़ दी। उसके बाद लड़का लड़की गाड़ी से बाहर भाग गए थे। दरअसल विवाद हुआ था, गाड़ी टच हो गई थी, जिसके बाद आर्ग्यूमेंट हुई। आर्ग्यूमेंट ने ये शक ले ली कि एक थप्पड़ मार दिया लड़की की तरफ से, ये बात सामने आ रही है। इसके बाद कावड़ियों का जो झुंड था वो यहाँ पर आया और उन्होंने गाड़ी को तोड़ दिया ज़बरदस्त तरीके से। यानी एक तरह से कहा जाए कानून और व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। दो पुलिस वाले यहाँ थे, तमाम सीसीटीवी पुलिस ने आसपास की लिए। आप ये देखिए, ये दुकान जो है यहाँ से ये सीसीटीवी नज़र आ रहे हैं, ये सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है जो पुलिस लेकर गई है, डीवीआर भी लेकर गई है। हालांकि अभी दुकान बंद है, हम कोशिश करेंगे जब दुकान खुले तो बात करें मालिक से। फिलहाल इस स्थिति ये है कि अब इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तमाम आइडेंटिफिकेशन की जा रही है कि दरअसल वो कावड़िए कौन थे। क्योंकि दिक्कत यह है कि यहाँ से हज़ारों कावड़िए निकलते हैं और 7 तारीख को भी क्योंकि काफ़ी कावड़िए निकले, तो ऐसे में आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है थोड़ा। इसलिए पूरे रूट की सीसीटीवी जो है वो खंगाली जा रही है, जिससे कि कुछ क्लू पुलिस को मिले। तो फिलहाल ये कहा जाता है कि इस दुकान की सीसीटीवी तो पुलिस लेकर गई है, लेकिन अभी भी ये कहा जा सकता है कि पुलिस के हाथ खाली हैं। क्योंकि पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन आसान नहीं है, क्योंकि तमाम कावड़िए यहाँ से निकलते हैं और ऐसे में हर एक जगह की सीसीटीवी चेक करने में समय लगेगा।